नीयत खराब थी उन लोगों की। सीधा सी बात है, 500 और 1000 रुपए के नोट हटा के 2000 रुपए के नोट लाने में तो नीयत ही खराब है। और ये इंप्लीमेंटेशन जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया गया है ताकि लोग दौड़े दौड़े इनके दलालों के पास पहुंचे। आज एटीएम के अंदर पैसा नहीं आ रहा, ये तो साधारण सी कॉमन सेंस वाला इंसान भी जानता है कि ये एटीएम जो है ये एग्जिस्टिंग 500, 1000, 100 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड है, ये नए 2000 के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है, ये नए 500 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है। इतने बड़े स्तर के ऊपर एटीएम की मशीनों को कैसे अब रिकन्फिगर किया जाएगा, नहीं हो सकती रातों रात। तो इनको पता नहीं था कि ये क्राइसिस होने वाला है, इनको पता था, जानबूझ के इस देश के अंदर क्राइसिस पैदा किया गया है ताकि सब लोग इनके दलालों के पास भागें और अपना अपना नोट चेंज कराने की कोशिश करें। बिल्कुल रोल बैक करना चाहिए, इस पूरे के पूरे फैसले को रोल बैक करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमी का भट्ठा बैठने वाला है, लोगों के जॉब्स खत्म होने वाला है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ने वाला है इसका। अब अफवाहों का बाजार गर्म है, नमक की मैंने पता किया तुरंत जब ये अफवाह आई, मैंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को फोन किया और उन्होंने इधर उधर से पता किया, कमी नहीं थी लेकिन अफवाहें इतनी ज्यादा हैं, चारों तरफ एक नर्वसनेस है सिस्टम के अंदर, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम। और जब ये हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, जब लोग सिस्टम के अंदर फेथ खत्म हो जाएगा लोगों का। नहीं, अब कुछ भी चीज फैल रही है, जैसे नोट बंद हुए लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो किसी भी चीज की अफवाह फैल रही है और लोग तुरंत उस पैनिक में आ जा रहे हैं। ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मदद कर रहे हैं लोग, मदद तो करनी चाहिए, तकलीफ में है लोग। कल पढ़ रहे थे कि दो लोगों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें आज मैं देख रहा था सुबह 3 बजे से सोशल मीडिया पर, 3 बजे से लाइनें लगने चालू हो गई हैं। लोग अपना काम करेंगे, कमाएंगे, बच्चों को पालेंगे कि रोज 2000 रुपए निकलवाने के लिए जाएंगे बैंक में, कैसे काम चलेगा इस इकोनॉमी का। मैं आज उनसे ये पूछ रहा हूं कि वो क्या मानते हैं, अंबानी, अडानी, सुभाष चंद्रा, बादल, इनके पास काला धन है कि रिक्शे वाला, गृहिणी, व्यापारी, किराने वाला, इनके पास काला धन है? मैं उनसे आज 3 सवाल पूछ रहा हूं। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बताएं जिनको उन्होंने 8 नवंबर के पहले बता दिया था कि, और उनका सारा पैसा ठिकाने लगवा दिया था। इस देश के अंदर अमित शाह जी अब उपदेश देंगे ईमानदारी का, देर कैन नॉट बी अ बिगर आयरनी देन दैट। काला धन है कि रिक्शे वाला, गृहिणी, व्यापारी, किराने वाला, इनके पास काला धन है? मैं उनसे आज 3 सवाल पूछ रहा हूं। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बताएं जिनको उन्होंने 8 नवंबर के पहले बता दिया था कि, और उनका सारा पैसा ठिकाने लगवा दिया था। इस देश के अंदर अमित शाह जी अब उपदेश देंगे ईमानदारी का, देर कैन नॉट बी अ बिगर आयरनी देन दैट।